नमस्कार दोस्तों, ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलते रहते हैं, जैसे वह खेलता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, वह खाता ही रहता है, या फिर वह बोलता ही रहता है। तो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं तथा इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है ही रहता है, यानी किसी कार्य को निरंतर करता ही रहता है। प्रेजेंट में बात हो रही यानी वर्तमान में, तो इसके लिए हम बोलेंगे नथिंग बट, नथिंग बट। तो चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। आई वी यू दे राम एंड श्याम बहुवचन के साथ आपको डू लगाना है। ही सी इट राम सीता एक वचन यानी सिंगुलर के साथ आपको डच का प्रयोग करना है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वह खेलता ही रहता है। ही डज नथिंग बट प्ले। वह पढ़ती ही रहती है। सी डज नथिंग बट रीड। वह बैठता ही रहता है। ही डज नथिंग बट सीट। वह पढ़ाती ही रहती है। सी डज नथिंग बट टीच। रानी हंसती ही रहती है। रानी डज नथिंग बट स्माइल। तुम दौड़ते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट रन। वे लोग नाचते ही रहते हैं। दे डू नथिंग बट डांस। तुम दिन भर सोते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट स्लीप ऑल डे। मैं सोचता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट थिंक। हम तैरते ही रहते हैं। वी डू नथिंग बट स्विम। मैं अंग्रेजी सीखता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट लर्न इंग्लिश। राम और श्याम कमाते ही रहते हैं। राम एंड श्याम डू नथिंग बट अर्न। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए क्विज है, सीता और गीता कपड़े ही धोती रहती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर